साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में दलित परिवार की एक बेटी की शादी पुलिस के पहरे में हुई। यहाँ के एक दलित पिता ने अपनी बेटी की शादी में दबंगों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की आशंका जताते हुए एसपी को पत्र लिखकर मदद मांगी थी, जिस पर पुलिसकर्मी बारात की निकासी से लेकर दुल्हन की विदाई तक मुस्तैद रहे। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में दलित परिवार की एक बेटी की शादी पुलिस के पहरे में हुई। यहाँ के एक दलित पिता ने अपनी बेटी की शादी में दबंगों द्वारा बाधा उत्पन्न कराने की आशंका जताते हुए एसपी को पत्र लिखकर मदद मांगी, जिस पर पुलिस कर्मी बारात की निकासी से लेकर दुल्हन की विदाई तक मुस्तैद रहे। दरअसल मामला थाना जुनावई क्षेत्र के लोहामई गांव का है। यहाँ के दलित समाज के राजू ने बताया, हमें सम्मान पूर्वक बैंड बाजे के साथ बारात निकालने नहीं दिया जाता है। मैंने अपनी बेटी की बैंडबाजे के साथ शादी कराने की ठान रखी थी, जिसके चलते पुलिस कप्तान संभल को शिकायती पत्र देकर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। इस पर एसपी चक्रेश मिश्रा ने आश्वासन दिया था कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी और शादी 60 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में धूमधाम से हुई। बता दें कि पिता राजू की बेटी रवीना की बारात जनपद बदायूं से गाँव पहुंची। इस दौरान गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। ऐसा माहौल लग रहा था कि जैसे किसी वीआईपी की शादी हो रही हो। इस अवसर पर थाना प्रभारी पुष्कर सिंह मेहरा ने दलित बेटी की शादी में 11,000 रुपए का दान भी किया। राजू चौहान, ये गांव कौन सा है? लोहामई। मतलब आज क्या प्रोग्राम है आपके? मेरी लड़की की शादी थी। तो ये मतलब मेहमान भी आए हैं? मेहमान आए हैं, बराती बराती सब हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं। मतलब ये पुलिस प्रशासन क्यों? पुलिस हमारी बारात नहीं चढ़ने देते थे। दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसके लिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसके बारे में उनको बुला कर रिक्वेस्ट करके लेटर दे के लेके आया था। अब पुलिस प्रशासन से कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है आपके? मेरी बेटी की शादी है। गाँव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे। तो ये पुलिस प्रशासन मंगाया आपने? हाँ, हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की। मैं इस समय जनपद संभल के थाना क्षेत्र जुनावई के ग्राम लोहामई में स्थित हूँ। यहाँ पर लंबे समय से 75 साल आज़ादी के बाद भी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों की बारात को नहीं चढ़ाने दिया जाता था। इस व्यवस्था को लेकर पीड़ित परिवार, उसका पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यालय बैजो स्थित पहुँचे, उन्होंने अपना बताया। इसके बाद में एसपी संभल और संभल प्रशासन से मिलकर बातचीत की। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह और बेटियों की बारात चढ़ाई जाती है, उसी तरह सब बेटियों की बारात चढ़ाई जाएगी। अच्छा, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है? पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। मैं संपत संभल के पूर्व पुलिस प्रशासन का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं थाना जन सुनवाई प्रभारी पुष्कर सिंह मेहरा ने बताया कि हर नागरिक की सुरक्षा पुलिस का कर्तव्य है। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से युवती की बारात चढ़ती हुई दुल्हा दुल्हन के फेरे हुए। पूरी शादी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। रवीना की शादी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। विवाह की रस्में शुरू होने से संपन्न होने तक गांव में पुलिस बल मौजूद रहा। विवाह संपन्न होने के बाद वाल्मीकि समाज ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया। गांव में पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को भरोसा जताया कि वे हर समय आमजन की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। पुलिस प्रशासन के इस सहयोग के लिए धन्यवाद है और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के कार्य की प्रशंसा करता है। फिलहाल पुलिस के इस सराहनीय कदम की तारीफ हो रही है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ पुष्प आप